अर्ली स्टार्ट करने का फायदा क्या है, जैसे बच्चा 9वीं से 10वीं आ गया लेकिन 10वीं शुरू होगी मार्च अप्रैल में जाके, तो अभी उसके पास 2 से 3 महीने का समय है, उस समय को कैसे यूटिलाइज करें। जैसे सैटरडे संडे हम आपके यहाँ पे कुछ कुछ क्लास लगा दें तो आपको कुछ फायदे होंगे, जैसे आप यहाँ के टीचर से अपना जो एक रैपो है वो क्रिएट कर पाएंगे, आपको ये मालूम हो जाएगा मुझे टेंथ में कितनी हेल्प करनी है। अगर आप टेंथ जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं तो टेंथ जल्दी खत्म भी करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे तो नंबर ऑफ रिविजन ज्यादा कर पाएंगे, आपके टेस्ट ज्यादा होंगे, तो आपको अपनी कमियां दूर करने के बाकी बच्चों से 3 से 4 महीने का समय ज्यादा मिल जाएगा। तो ये टेस्ट आपकी मेरिट को ऑनर करने के लिए भी है, जिसमें हम आपको स्कॉलरशिप्स के स्लैब्स हैं हमारे, आपकी अगर टेस्ट में परसेंटेज एक फिक्स है तो आपको टेस्ट उसके बेस पे जेनेसिस पे क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, वो यो यहाँ के एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं, आप उनसे 1-to-1 मिल सकते हैं, वो पूरा आपको बताएंगे, कैसे सैटरडे संडे क्लास कराई जाएगी वो भी बताएंगे। तो अवार्ड के साथ वो तो हमारे देने ही है, आपको एक लेटर है जिसमें सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई। नॉन मेडिकल अगर बच्चा ले रहा है प्लस वन प्लस टू में तो उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इंजीनियरिंग में जा सकता है, वो डिफेंस सर्विसेज में जा सकता है, वो बैचलर इन डिजाइनिंग में जा सकता है, केवल मैथ्स में अपना स्पेशलाइजेशन कर सकता है। जेनेसिस में हम केवल पढ़ाएंगे नहीं, हम आपके बच्चे की जो परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के बाद उसको ये भी गाइड करेंगे कि उसको किस फॉर्म को भरना चाहिए और किस फॉर्म को नहीं भरना चाहिए। अगर बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है तो सब बच्चे IIT नहीं जा सकते, सब बच्चे NIT नहीं जा सकते, लेकिन और भी एग्जाम है, जैसे BITSET के एग्जाम है जो कि बिरला इंस्टीट्यूट में लेके जाता है, बच्चे को बैचलर इन डिजाइनिंग का एग्जाम होता है जिसे हम UCET कहते हैं। मैंने आपसे कहा यहाँ पे एक्सपर्ट काउंसलर्स बैठे हुए, एक्सपर्ट लोग बैठे हैं जिनका काम यही है, नॉन मेडिकल लेने के बाद और कौन कौन सी फील्ड अवेलेबल है वो सब हम बताएंगे। जब बच्चा यहाँ पे 11th-12th करेगा या 10th में हमारे पास आएगा तो 10th में उसकी रिपोर्ट का एनालिसिस करके ये भी बताएंगे कि उसके लिए कौन सी स्ट्रीम अच्छी रहेगी 11th में, ज्यादा स्ट्रीम कौन सी अच्छी है, क्योंकि साइंस फिजिक्स अलग होगी, केमिस्ट्री अलग होगी, बायोलॉजी अलग होगी, मैथ्स का टीचर अलग होगा, तो परफॉर्मेंस बेस्ड सब चीजें बताई जाती हैं, सब चीज एनालिटिकल वे में बताई जाएगी, एनालाइज करके बताई जाएगी। सर नहीं, 10th में शुरू कराएं, 10th के बाद नहीं, 10th से शुरू कराएं, क्योंकि 10th का सारा बेस बच्चे का 12th में यूज में आने वाला है। बिल्कुल नहीं होगा सर, बच्चे में बहुत एनर्जी होती है, आप अपने बच्चे का पूरी दिनचर्या देखिए, हम तो हफ्ते में आपसे 5 घंटे मांग रहे हैं, 6 घंटे मांग रहे हैं, इतना तो वो खेलने में निकाल देता है। अगर रोज वो संडे और सैटरडे वाला समय आधा आधा घंटा और बढ़ा दे तो सैटरडे संडे आराम से कर सकता है। और उसकी ऐसा नहीं कि अगर 10th करा रहे हैं, 9th में भी उसको कोई हेल्प चाहिए हमसे, हम वो भी करेंगे, क्योंकि अभी तो करंट क्लास 9th है बच्चे की, वो 9th में भी हेल्प ले सकता है यहाँ पे टीचर से, या जो यहाँ पे सेंटर में जो लोग हैं जो इंचार्ज हैं उनसे टाइम ले आए, अपना 9th के टॉपिक्स भी कर सकता है अलग से, उसके लिए कोई फीस नहीं लेंगे हम आपसे, फीस जो चार्ज करेंगे वो केवल क्लास 10th की करेंगे, 9th तो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं आप। सर जैसे 9th के 10th के बच्चे हैं तो इस एज में बच्चे, मैं नहीं मानता कि सब डिसाइड कर लें कि मुझे किस फील्ड में जाना, उसका डिसाइड करने का जो मेन है वो उसके टीचर हैं कि जिस सब्जेक्ट का टीचर उसे फ्रेंडली पढ़ावेगा और उसके साथ घुल मिल कर रहेगा तो बच्चे का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में ऑटोमेटिक बन जाएगा। जी तो मैं तो जी जेनेसिस से बहुत पहले से जुड़ा हुआ, मेरी बेटी भी पढ़ी जब जिंजाना रोड पर था, बेटी पढ़ी थी जी वहाँ, तो टीचर वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कहूँ कि बच्चों के साथ एक ऐसा फ्रेंडली माहौल बना कर उन्हें पढ़ाया जाए जिससे उनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बने। जी उसके लिए तो उन्हें आगे 11th-12th 10th में आ जाएंगे तो किस फील्ड में जाना वो तो डिसाइड बच्चे कर ही लेंगे, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो डेवलप होगा वो टीचर के बिहेवियर से होगा जी, कि वो सर किस तरीके से पढ़ा रहा, कितना फ्रेंडली पढ़ा रहा, उस सब्जेक्ट के लिए उसे मोटिवेट करना, हमें तो इतनी फुर्सत होती नहीं पेरेंट्स को इतनी फुर्सत नहीं है जी, अब वो तो पूरा दिन आपके साथ रहेगा घर में, आप सुबह खावागा और शाम को सोवागा जी तो सारा दिन तो टीचर्स के साथ रहे बच्चे, तो हमने भी पढ़ा जी, हमें ऐसा लगे था
कि मान लो कोई ऐसा टीचर रूल से उसका आ गया तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसी टॉपिक को, तो वो टॉपिक मान लो दिमाग में से निकल गया, तो वो अगला जब टॉपिक आवेगा, जब पहला उसने पकड़ा नहीं तो दूसरा तो सिर के ऊपर से जाएगा उसके, तो बच्चा उसमें उसका इंटरेस्ट कहाँ बन जाएगा जी। तो थोड़ा सा बस यही है कि आप हाँ बच्चे जो है अभी छोटे हैं ना, थोड़ा सा हाँ फ्रेंडली उसमें एक कम्युनिकेशन बनना टीचर के बच्चों के बीच में। हाँ जी, थैंक यू।